माइक्रो एसयूवी, मिनी एसयूवी या कह सकते हैं कॉम्पैक्ट एसयूवी से भी छोटी एक एसयूवी, टाटा पंच। अब ये मैं एसयूवी 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 तीन बार मैंने क्यों बोला है, वो भी डिफरेंट नेम्स में, तो इसलिए बोला है मैंने क्योंकि टाटा मोटर्स का दावा है कि ये एसयूवी यानी कि ये माइक्रो एसयूवी टाटा पंच चुनौती भरे रस्तों से आराम से गुजर जाती है, यानी कि चुनौती भरे रस्ते ये इजीली पार कर लेती है क्योंकि इसमें दिए गए हैं कुछ ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ही वेरिएंट में। तो आइए आज हम आपको इस वीडियो में उन्हीं चुनौतीपूर्ण रस्तों पर लेकर चलते हैं टाटा पंच के साथ। टाटा पंच में 1.2 लीटर का रेवोट्रॉन पेट्रोल इंजन मिलता है जो कि 3 सिलेंडर के साथ आता है। ये इंजन 85 bhp की पावर और 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। मैनुअल वेरिएंट के साथ इंजन की परफॉर्मेंस काफी बढ़िया है और मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ही पंच की ऑफरोडिंग क्षमता ने भी हमें काफी खुश किया है। जिस तरह से ऑफरोडिंग के ऑब्स्टेकल्स पंच की ड्राइव के लिए टाटा ने बनाए हुए थे, देखकर लग रहा था कि इतनी छोटी एसयूवी इन ऑब्स्टेकल्स को कैसे पार कर पाएगी। पर जैसे जैसे चुनौती भरे रास्तों पर पंच जाती गई, वैसे वैसे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। हालांकि इसका रोड टेस्ट रिव्यू हम पहले ही कर चुके हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता अगर मैनुअल वेरिएंट के अलावा अगर हमारे पास AMT ट्रांसमिशन होता तो शायद ही इन कठिन रास्तों को हम पार कर पाते। सड़कों पर मौजूद छोटे मोटे गड्ढे तो इसने काफी आराम से पार कर लिए थे। सस्पेंशन क्वालिटी जबरदस्त देखने को मिली है। वहीं अगर हम अच्छी खासी ऑफरोडिंग की बात करें तो इस 4x2 छोटी एसयूवी ने हमें कठिन रास्तों पर एकदम बढ़िया परफॉर्मेंस दी है। 187 का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है और अगर गाड़ी में ड्राइवर के अलावा कोई बैठा नहीं है तो आसानी से आपको 190 mm तक का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। हालांकि टाटा नेक्सॉन का ग्राउंड क्लियरेंस पंच से करीब 20 mm ज्यादा है, फिर भी पंच ने ऑफरोडिंग टेस्ट में किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं दी है। आपको बता दें, इस सेगमेंट में मौजूद दूसरी गाड़ियां जैसे रेनो क्विड और मारुति एस्प्रेसो के मुकाबले भी टाटा पंच का ग्राउंड क्लियरेंस ज्यादा है। 20.3 डिग्री का अप्रोच एंगल मिलता है तो आसानी से पंच को ऊपर चढ़ाया जा सकता है। वहीं 20.2 डिग्री का रैंप ओवर एंगल मिलता है जो कि काफी बढ़िया है और अगले पिछले टायर के बीच में अगर कोई माइनर ऑब्स्टेकल्स आ जाता है तो ये उसे भी पार कर लेती है। वहीं कंपनी ने इसमें 37.6 डिग्री का डिपार्चर एंगल दिया है जो कि काफी बढ़िया है और ये सभी आंकड़े आपको देखने में एक 4x4 एसयूवी की तरह लग रहे होंगे। अब कंपनी ने ऑफरोडिंग करवाई है तो जाहिर सी बात है इन आंकड़ों को एक्सप्लेन करना भी जरूरी था। वाटर वेडिंग कैपेसिटी की बात करें तो 365 mm इस गाड़ी में मिलता है। हालांकि हमने इसे पानी में नहीं चलाया तो आपको इस बारे में ज्यादा नहीं बता पाएंगे, पर नंबर्स के हिसाब से एक मिनी एसयूवी के तौर पर पानी में जाने की क्षमता काफी बढ़िया देखने को मिल रही है। टू व्हील ड्राइव के साथ टाटा पंच की ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज वास्तव में काफी कमाल की है। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और एएमटी मोड के साथ कंपनी ने जो फीचर दिया है नया ट्रैक्शन प्रो मोड, ये भी बहुत ज़्यादा कमाल का है। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि टू व्हील के साथ यानी कि आगे के जो दो पहिए हैं जो इंजन के साथ चलते हैं उसमें से किसी एक पहिए में अगर ट्रैक्शन नहीं मिल पाता है मिट्टी में या फिर बर्फीली जगहों पर, तो इसमें जो ट्रैक्शन प्रो मोड है वो आपको ऑन करने का साइन आ जाता है। आप जैसे ही उसे ऑन करते हो वैसे ही दोनों पहियों में ट्रैक्शन मिल जाता है और इजिली वहां से ये गाड़ी निकल जाती है। हालांकि 4x4 नहीं है लेकिन 4x2 के हिसाब से ये गाड़ी वाकई एसयूवी है।